हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए ना एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना काफ़ी आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, प्रोटीन से भी भरा हुआ है। तो चलिए फटाफट इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी फ्रेंड्स हम काले चने और पालक से बनाएंगे, जो हेल्दी भी होगा, प्रोटीन से भरा, आयरन से भरा और बनाने में बहुत ही आसान होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है एक कटोरी छिलके वाले चने, जिसको कि हमने भिगा लिया था, और पालक। तो सबसे पहले हम चने को मिक्सर जार में डाल करके पीसेंगे। तो इसके साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चने के साथ दो हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, और साथ में 3 से 4 लहसुन की कली। अब इसका हम दरबरा सा पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, हम बिना पानी का ही इसे पीसेंगे। तो देखिए इस तरीके से दरबरा सा हम पीस लेंगे चने को। तो मैंने इसे बिना पानी का ही पीसा है। तो काले चने का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और जो हमने पालक लिया था उसे एकदम बारीक काट लेंगे पालक को, और पालक को भी बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स पानी का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि पालक में भरपूर मात्रा में पानी होता है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जिससे कि ये थोड़ा चटपटा बने। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 हल्दी पाउडर, साथ में 1/4 कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी यूज़ किया है, तो तीखा आप अपनी इच्छा से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और साथ में डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच चाट मसाला, इससे हमारा जो नाश्ता है वो चटपटा भी बनता है और स्वादिष्ट भी लगता है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार 1/2 छोटा चम्मच, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स सब्जी मसाला। तो आप सब्जी मसाला की जगह गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा स्पाइसनेस के लिए। और इसके बाद थोड़ी सी अजवाइन हम डाल देते हैं, इसी स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आप अजवाइन की जगह जीरा भी डाल सकती हैं। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी है, अब इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया भी पत्ती भी डाल दिया है, है तो डालें, नहीं है तो बिना धनिया पत्ती के ही इसे आप बना सकते हैं। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। और ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमें पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पालक भी डाला हुआ है, और जब नमक डालेंगे तो पालक जो है वो पानी रिलीज करने लगता है, तो पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छे से ये एक डो फॉर्म में बन करके तैयार हो गए हैं। बहुत ही स्पाइसी, चटपटा और हेल्दी सा जो है वो नाश्ता बन करके तैयार होगा हमारा, और इसे हम बहुत कम तेल में भी बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी बॉल्स लेंगे और इसकी छोटी छोटी जो है टिक्कियाँ बनाएंगे। तो आप चाहे तो अपने पसंद से इसे लंबा शेप भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे टिक्की का शेप दे रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें सारी टिक्कियाँ बना के तैयार करनी है। तो थोड़ा पतला ही इसे रखेंगे ताकि इसमें क्रंचीनेस आए। तो जितना पतला रखेंगे उतना क्रंचीनेस आएगा, क्योंकि हम इसे बिना फ्राई किए हुए बनाने वाले हैं। तो टिक्कियाँ बन करके तैयार है, और यहाँ पे हमने फ्राई पैन में भी तेल डाल के गर्म कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है फ्रेंड्स, 1 से 2 चम्मच के लगभग हमने यहाँ पे तेल रखा हुआ है, और तेल को जो है वो अच्छे से गर्म होने दिया है। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड तेल का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम एक एक टिक्की जो है वो पैन में डालेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, गैस जो का फ्लेम जो है वो हाई नहीं रखना है,
हम इसको लो रखेंगे ताकि जो टिक्की है वो अंदर तक अच्छे से सीके और एकदम क्रंची सा हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो। तो सारी टिक्कियाँ हमने यहाँ पे पैन में रख दी है। अब इसे हम धीरे धीरे धीमे आंच पे सिकने देंगे। तो 4 से 5 मिनट बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो ये ऊपर का लेयर है वो भी एकदम ड्राई होने लगता है। तो जितने धीमे आंच पे हम इन्हें सेकेंगे हमारा नाश्ता उतना ही कुरकुरा और टेस्टी बनेगा। तो देखिए ऊपर का ये सूख गया है। अब हम इन्हें दूसरी साइड पलट लेंगे। बहुत ही इजीली ये निकल भी जाते हैं कम तेल में। हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा लगता है ये नाश्ता। तो एक एक टिक्की को पलट करके हम दूसरी साइड भी इसे अच्छा सा कलर आने तक सेकेंगे। आप एक बार ये कबाब जो है वो जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है और बनाना काफ़ी आसान होता है। बहुत ही जल्दी बन के भी तैयार होता है, ऑयली भी नहीं होता। बड़े हो या बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आएगा ये नाश्ता। तो देखिए दोनों तरफ से जो कबाब है वो अच्छे से सीख गया है, एकदम क्रंची कम तेल में। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म हमारे चने और पालक का नाश्ता बन करके तैयार है, जो काफ़ी कम तेल में बना है और काफ़ी क्रंची और स्पाइसी भी होता है। तो एक बार आप ये नाश्ता ज़रूर बनाइएगा। बड़े हो या बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आएंगे और हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चने और पालक की रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से